नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। आ गया जी, ऐसे ऐसे जाओ, एक के पीछे एक बैठ जाओ, बेटे आ जाओ, दोनों जने आ गए, तुम्हें भी समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ आ जाओ बेटे, पीछे जगह है। मेरे द्वारा अपने या अन्य के प्रति अन्याय हुआ हो, बहुत बड़ा पार्ट है, मेरे द्वारा मेरे प्रति या अन्य के प्रति अन्याय हुआ हो। हाँ, अनादिकाल से सबसे ज्यादा अन्याय अपने साथ किया है। विश्व में सबसे ज्यादा अन्याय जीव ने अपने साथ किया है। पर के साथ तो कर्ता कर्म संबंध ही नहीं है, पर के साथ तो करने के चक्कर में बस कछु कर थोड़ी पाता है, कल्पना करता है बस। बहुत बढ़िया शब्द दिया, मेरे द्वारा अपने या अन्य के प्रति अन्याय हुआ हो, अर्थात उपयोग गेयों में भ्रमा हो। लिखा है उपयोग गेयों में भ्रमा हो, अन्य को देख करके भी दुखी क्यों हुए, ये गेयों में भ्रम गए आप। मैंने एक अनादि की कुटेव है, किसी को गलती करते हुए देखेंगे और घृणा करेंगे, और वो तो बेचारा सुधर गया, वो तो सुधर गया समय पा करके, और जे जिंदगी और याद रहे। जैसे बहुत खराब दृष्टांत है, हल्का सा दृष्टांत, कभी कभी बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े बुजुर्ग लोग मिलते हैं, कहे तुम बे ही हो, बे 25 साल पहले इतने से थे, एक बार तुमने यहाँ से खा ली थी। अब तो वो 25 साल पहले जब इतना सा था, तब उसने ऐसे कुछ कर लिया था, जो कुछ कर लिया था, लेकिन उसको अभी तक याद रखे फिर रहे। भाई तुम 25 साल तक उसकी लैटिंग भरे पड़े हो यहाँ दिमाग में, ये है अन्याय। अच्छी भाषा में बोलो, न्याय की भाषा में बोलो, ज्ञान के योग्य कार्य ज्ञान से नहीं कराना, ये अन्याय है। क्या कहा, तुम्हारा ज्ञान इनके लिए था, दूसरों की गंदगी याद रखने के लिए, ये अन्याय है। हमें मालूम है चोर हैं, एक बार हमने देखा तो, एक बार हॉस्टल लाइफ याद है अभी तक तुम्हें, हम दो जने थे, इन्हें ऐसे कर लिया था, इन्हें ऐसे खा लिया था, इन्हें ऐसे चोरी कर ली थी, इन्हें ऐसे कर दिया था, अब ऐसे कर दिया, हम बहुत ऐसे कर दिया उन्होंने खालिस्तान। अरे बड़े पापी हैं, हम देखा था, हमने देखो थे इन्होंने कोसील किया था। अरे प्रभु, जैन दर्शन में कोसील की ताकत कहाँ है आत्मा के सामने,
कुशील की ताकत क्या है, सप्तव्यसनी अंजन चोर की ताकत क्या है आत्मा के सामने? एक क्षण में आ बेटा पर्या चली गई। अच्छा अन्याय की परिभाषा बोलो। ज्ञान के योग्य कार्य ज्ञान से नहीं कराना अन्याय है। ज्ञान के योग्य कार्य बोलो कि ज्ञान का योग्य कार्य है ज्ञायक को देखना। व्यवहार से बोलो कि ज्ञान का काम है स्वयं पर को ज्ञेय देखना और अपने को ज्ञायक देखना। अनंत भगवान मेरे लिए ज्ञेय है, सिद्ध भगवान मेरे लिए ज्ञेय है, सारी दुनिया मेरे लिए ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ। ये न्याय है, न्याय है, न्याय है। मैं पहली बार जब वहां गया था तुम्हारे जयपुर, तो एक विद्यार्थी आया था, मुझे नंबर था नहीं कौन है, लेकिन ये आया था, आपने न्याय पढ़ा है? तो हमने अपने प्रति अन्याय नहीं करना ही न्याय है। उस समय यही बोला था मैंने, अपने साथ अन्याय नहीं करते, बाकी हम नहीं मालूम तुम्हारी न्याय में और क्या लिखा है, कौन कौन से खंडन मंडन और क्या क्या न्याय है वो हमें नहीं मालूम। हम अपने साथ अन्याय नहीं करेंगे, बस ये हमारा न्याय है। याद आ रही? न्याय ये है, न्यायोचित काम होना चाहिए। न्यायोचित काम मतलब अब घंटों प्रवचन हो सकते हैं इसमें। तुम पिताजी से कह रहे इतना पिताजी झाड़ू लगा दे, अन्याय है। पिताजी से झाड़ू लगवा रहे तुम शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे होते हुए पिताजी झाड़ू लगा रहे जी अन्याय है। अब झाड़ू ही कह रहे मैंने सब जगह लगा लो। राजा चपरासी का काम नहीं करता, मंत्री का काम नहीं करता, राजा राजा का काम करता है। पिताजी दादाजी घर में बड़े हैं, राजा के समान है भाई, उनसे आप हल्का काम नहीं करा। या आजकल ये झगड़े बहुत होते हैं, चाय जो बोल देते हैं, चाय जो बोल क्यों देते हैं? क्योंकि तुम उनको चाय जैसा समझते हो, पिता को पिता ही नहीं समझते। आप पिता को पिता नहीं समझते तो चाय जैसा बोल देते, इतना गंदा गंदा तक बोल देते, बुड्ढा मरता भी नहीं है फ्री का खा रहा है। बहू चाय जैसे ही बोलती, ऐसे खूसट से पड़े रहे, इतना हल्का इतना हल्का सोचा कैसे तुमने? सुना क्या कहते हैं हमका? हमें तो अभी ऐसी इच्छा हो रही है कि घंटा एक ही विषय में बोलो। तुमने उनको देह मात्र देखा ही अन्याय है, तुमने उनको भगवान आत्मा नहीं देखा ही अन्याय है, तुमने लौकिक में भी अपने से बड़े पद वाला नहीं देखा ही अन्याय है। लौकिक में भी वे तुम्हारे उपकारी हैं, जन्म दिया है, संस्कार दिए, समाज दिए, स्वास्थ्य दिया है, संस्कृति दी है, पानी छानने की और सम्यक की संस्कृति दी है, अनंत उपकार है माता पिता का, ये अन्याय है। उपकारी का उपकार भूल जाना ना अन्याय है। उपकारी का इसलिए मैं कहता हूँ लिखो, माता पिता का उपकार लिखो, यहाँ वो वैसे वैसे चलता रहता है। तुम्हें चार जैसा सोच कैसे लिया? बोलना तो चलो बहुत दूर की बात है, सोच। पंडित साहब का भजन काय पे था, सोच। जब तुम सही नहीं सोचोगे तो सही बोलोगे भी नहीं। करने की तो बहुत दूर की बात है, सही करोगे कैसे? हम इतनी देर में क्या कर रहे हैं बताओ? तुम्हारे लिए सोच ही तो बदल रहे, और क्या कर रहे? कोई दवाई थोड़ी दे दी तुम्हें? क्या बदल रहे प्रदीप? क्या बदल रहे? सोच, और कुछ नहीं कर रहे अभी तक, सोच नहीं सुधरी। हम बच्चों कह के आए और पढ़ाता हूँ, इस शरीर की कीमत इतनी है, इसे तीर्थंकर पैदा होते हैं, कीमत है, हल्के फुल्के नहीं है हम। चक्रवर्ती कामदेव पैदा होते हैं, सम्यक दृष्टि पैदा होते हैं, आचार्य कुनकुन पैदा होते हैं इस देश है। बेस्याएं पैदा नहीं करना है हमें, जिनको तुम नफरत से देखते हो ना ऐसे बच्चे पैदा नहीं करना है। अब सोच इतनी अच्छी होगी तो कभी पतित नहीं हो सकते आप। लिख लो, पढ़ लो, बिल्कुल रट लो बिल्कुल इस बात को। सोच ही हल्की है, अपने बारे में जब सोच हल्की है तो ही आप गंदे काम कर सकते हो। इकाई की परिभाषा चल रही है अन्याय, अन्याय मत करो। तीन लोग के नाथ हो, जरा इधर से सोचो तो। हाँ मत करो, सोचो बैठ के, अनुभव करो। इसको कहते हैं मेडिटेशन, मेडिटेशन करो। अरे मैं भगवान हूँ, हल्के काम कैसे करोगे? दृष्टांत दिया था, कोई हरिजन स्वीपर, एस सी एस टी, वो रहती सीट,
सांसद की या किसी की, और उस सीट पे चुनाव लड़ रहा है वो। चुनाव लड़ते समय कपड़े बदल गए, सोच बदल गई, गालियां बंद हो गई, दारू पीना बंद हो गया। उतने दिनों माता बहन बहन जी माता जी दृष्टि सुधर गई, क्योंकि सोच सुधर गई, आदमी नहीं सुधरा। आदमी नहीं सुधरा, सोच सुधर गई, सोच सुधर गई तो सील आ गया उसके जीवन में, आ गया। देख लो आ गया कि नहीं आ गया। और तुम हमेशा कह रहे तुम भगवान हो बेटा, अपने को भगवान समझो। लिखा है लेख में, सब लिखा है मैंने, एक पाप करते से कितने पाप होते हैं, लिखा है, पढ़ लेना। अन्याय समझ गए, अन्याय अभी हमने बाहर भी घटा दिया माता पिता में, अब क्या इसलिए दिया कि अभी भी लिखो जी। मत सोचना हमने एक दिन गलती से खराब बोला है, एक दिन गलती से खराब नहीं बोला, पूरे जीवन खराब सोचा है तब एक दिन खराब बोला है। क्या बोला, क्या बोला, पूरे जीवन खराब सोचा है, बोले आज हो। और सुनो, आज बोले हो हम उसे इतना बुरा नहीं मान रहे, तुम खराब सोचते रहे जी बुरा मान रहे। क्यों अभी मैं अंतर क्यों कर दिया, आज तुम खराब बोले हो उसमें तुम्हारी खराबी नहीं दिख रही हमें, तुमने जीवन भर खराब सोचा है ये है बड़ी चीज। और खराब बोला है वो तुम नहीं बोले हो, उनके पाप का उदय था इसलिए बोल पाए, अभी तक उनके पाप का उदय नहीं था इसलिए तुम बोल नहीं पा रहे थे। आप एक शब्द भी बोलते हो तो उनके पुण्य पाप के उदय से बोलते हो, इसलिए उनका उदय खराब था इसलिए तुम बोले हो। लेकिन तुमने सोचा खराब है, तुम अपने देह को अपने आत्मा को परमात्मा क्यों नहीं समझते, परमात्मा के योग्य क्यों नहीं समझते, अब बता रहा। इसलिए हम कह रहे अब लिखो, तुम अपने आप को परमात्मा के योग्य क्यों नहीं समझते, और समझते हो तो कैसे समझते हो, लिखो। क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, बताओ आपने, लगता है प्रतिगुण, हाँ प्रतिगुण, हाँ ले ले ले, सुन रहे हो अच्छे से, सुनो बढ़िया उत्साह से, बहुत इतना गरिष्ठ पॉइंट है। अपने प्रति और दूसरों के प्रति अन्याय नहीं करना, अर्थात ज्ञान को गेहूं में नहीं भरवाना। देखो अन्याय का खुलासा है, अन्याय का खुलासा है, ज्ञान को गेहूं में नहीं भरवाना। देखते हैं ये तो पापी है, अरे पापी कहाँ से हो गया, ये तो गे है। इनकी तरफ से देखो तो भगवान आत्मा है, देश है मेन, भविष्य का भगवान है। वर्तमान में देखो तो कुछ तुम्हारा उदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसे चार अनियो घटाते हैं, घटाते जाओ। अब ऐसा करने से क्या फायदा हो, सारा विश्व भगवान आत्मा दिखाई देगा। ये चरणानियो हो गया, सारा विश्व भगवान दिख रहा है, और द्रव्यानियोग से कहो तो सारा विश्व गेय दिख रहा है। द्रव्यानियोग से सारा विश्व गेय है बस, और मैं गया एक हूँ। द्रव्यानियोग को क्या कहा, एक बाजू राम एक बाजू आका गम, मतलब पूरा गेय, एक तरफ गेय एक तरफ ज्ञान, बस खत्म। मैं ज्ञायक ये सब गेय। चरणानियोग की भाषा में सब भगवान है निर्दोष। प्रथमानियोग में ऐसे देखने वालों की प्रशंसा होती है, जिनने देखा वो भगवान बनते हैं, उनके परिणाम निसमता भाव साम्य भाव होते हैं। कर्णानियोग प्रशंसा होती है, प्रथमान चारों नियोग है, इसलिए हमने कहा चारों नियोग से सोच। ठीक है, तो अपने प्रति अन्याय नहीं करो, हाँ अपने को भगवान देखो। अरे भगवान देखो सुनते सुनते तुम पस गए, इसलिए ज्यादा कहना नहीं शिक्षा होती। मैं तुम कुछ उल्टा क्यों देखते हो, प्रश्न ये है, लिखो आज मैं भगवान हूँ 1 करोड़ बार। लिखो तो एक बार मैं भगवान हूँ, कहीं या तो कलम रुकेगी या हृदय रुकेगा, कहीं ना कहीं रुकेगा आपको। अरे मैं हम कैसे लिख रहे, क्या लिख रहे, लिखो तो कुछ ना कुछ आएगा, मोह तुम्हारे सामने, उसे वेद विज्ञान करके जीतना, जीतना से देखो कितना बढ़िया है। मेरे द्वारा अपने या अन्य के प्रति अन्याय हुआ हो, अर्थात उपयोग गेहूं में भ्रमा हो, उपयोग गेहूं में भ्रमा हो, समय एवं शक्ति विकथा प्रमाद या विषयों में लगे हों, या कसायों की पूर्ति में लगे हों,
उपयोग गेहूं में भ्रमा नंबर वन, उपयोग उपयोग उतना समय तक उपयोग बी कथा में लगा, बी कथा में लगा, प्रमाद और विषयों में लगे हों, इन सब का अर्थ कर रहा हूँ, या कसायों की पूर्ति में लगे हों, जिनकी चर्चा करेंगे थोड़ा। सबसे पहले बी कथा में लगा हो, अभी तक की चर्चा में अपने ज्ञान गेहूं में भ्रमा हो ये पढ़ा समझा, अब बी कथा में लगा हो, ज्ञाय की कथा का पोषण करने के अलावा सब बी कथा है। क्या कह गई? ज्ञाय की कथा के पोषण के अलावा सब बी कथा है। यहां से चलो मूल से, बड़ा अन्याय है, हमने जो पानी पीने के लिए दिया था वो तुमने पैर धो के खत्म कर दिया, आठ पैरा उबला हुआ, हमने तो पीने के लिए दिया था तुम्हें और तुमने क्या किया? क्या हमने तुम्हें दूध दिया और पानी दिया, सो दूध तो तुमने पैर धोने में कर दिया और पानी पी रहे बोलो हमने पानी और घी दिया तुम्हें, बेटे घी खाना, सो घी से नहा लाए तुमने और पानी से रोटी चिपड़ रहे मूल में, मूल से मूल 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 आहा, अपने ज्ञायक से विरुद्ध कथा, शुद्धात्मा से विरुद्ध कथा भी कथा है। भी कथा कितने वेद हैं? झूठ है ये बात, असंख्यात लोक प्रमाण वेद है, चार तो कह दी है, बहुत स्थूल कहने के लिए चार कह दी, क्या चार कैटेगरी में बांट दिया उनका, असंख्यात लोक प्रमाण ऐसा चार का निषेध कर रहे, अरे वो क्या करें, सामान्य लोगों चार पढ़ने में ही बहुत है, चार संज्ञाएं है ना, इसलिए चार कथाएं, राज कथा, स्त्री कथा है ना, ये भोजन कथा, इसलिए वो चार कैटेगरी में बांट दी। असंख्यात लोक प्रमाण है, कहाँ से मालूम पड़ा? एक ज्ञाता से विरुद्ध कथा, एक अकर्ता से विरुद्ध कथा, एक ज्ञाता से विरुद्ध कथा भी कथा है। कुछ कह गए हम, समझ में आया कुछ? अब लड़ाइयाँ हो सकती हैं इसके ऊपर, हमें नहीं मालूम, हम ज्ञाता का पोषण कर रहे हैं, हम आठ नंबर का पोषण कर रहे हैं, आठ नंबर के लिए सब माफ है, नए चक्र में आठ नंबर के लिए सब माफ, क्योंकि सात से सात आठ नंबर के लिए समर्पित हैं, आठवा किसी को समर्पित नहीं है, हम आठवें का पोषण कर रहे हैं, ज्ञायक का पोषण कर रहे हैं। ज्ञायक प्रभु तूने 10 साल या 2 साल या 5 साल या 1 घंटा, हमें नहीं मालूम जितना भी, तुमने 1 घंटा गुणस्थान पढ़ा और ज्ञायक नहीं देखा, तुम बड़ा अन्याय करते हो, बहुत अन्याय करते हो। मार्केट में गए 1 घंटा तक, ये कपड़ा दिखाओ, वो कपड़ा दिखाओ, ये दिखाओ, और 1 घंटा बाद वो क्यों भैया कछु ले हो तो नहीं, हमें तो क्या है वो फालतू रेल लेट हो रही थी भाई 1 घंटा, जैसे हम कहीं टाइम बैठ के पास कर लें, सो तुम्हारी दुकान में बैठ के टाइम पास कर लिया, रेल 1 घंटा लेट थी क्या करते हैं बोलो, खेत कितना दुखी होगा, वो कितना नाराज होगा वो दुकानदार, हमें फालतू समझ रखा है, ऐसे 1 घंटा गुणस्थान पढ़ा नया होगा तो ज्ञायक का निर्णय नहीं किया आपने, हमें नहीं कह रहे गुणस्थान गलत है, लेकिन गुणस्थान से प्रयोजन की सिद्धि नहीं करना भी कथा है। अध्यात्म की भाषा ऐसे चलेगी, प्रथमानियुग चरणानियुग में वो भी कथा नहीं कहेंगे, उसे तत्वों की चर्चा को भी कथा नहीं कहेंगे, गुण वेद पर्याय वेद गुणस्थान मार्गण स्थान चारों अनियोग इनकी चर्चा को भी कथा नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, हमें तो ज्ञायक का पोषण करना है इसलिए हम कह रहे, अभी तुम्हें लगता है भी कथा कर रहे हैं अब जो चार संज्ञाओं की चर्चा करते हैं उन्हें लगता ही नहीं हमने भी कथा करी, उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं रहे फिलहाल, हम तो तुम लोगों को देख के कह रहे हैं ओ ज्ञायक के बिना तुम्हें चैन कैसे पड़ जाती है, ज्ञायक के बिना चैन कैसे पड़ जाती है, दृष्टांत बहुत दिए जा सकते हैं, जिसको पति प्रिय हो, पति प्रिय हो मैंने होना ही चाहिए, पति प्रिय हो वो कोई रिश्तेदार कोई कपड़े बर्तन कुछ देता भी है तो पति की ओर देखते उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें कैसा लगेगा, नहीं भैया हम नहीं ले रहे, कोई व्यक्ति कुशील भावना से बहुत बड़ी गिफ्ट दे किसी को, कुशील भावना से तो सबसे पहले सोचिए हमारे पति को कैसा लगेगा, उन्हें कैसा लगेगा, सुना ऐसे हम गुणस्थान पढ़ते हैं ज्ञायक कैसा रहेगा, मार्गिणा स्थान पढ़ेंगे ज्ञायक, इंद्रियां
हम पढ़ेंगे इंद्रियां और पढ़ेंगे अतीन्द्रिय, क्या समझे? अतीन्द्रिय भगवान कैसा है, लगाओ सब जगह से लगाओ। अरे पूरा जिनागम शुद्धात्मा के लिए समर्पित है, पूरा जिनागम लें तब बड़ावन हेतु। न्याय की परिभाषा बोलो, हम न्याय से भोजन करते हैं, चोरी का नहीं खाते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चोरी का नहीं खाते, अच्छी बात। दिन में खाते हो, बहुत अच्छा, दिन में बना के खाते हैं, बहुत ही बढ़िया। परंतु शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से नहीं खाते, अनाहारी को जानने के लिए नहीं खाते, तो अन्याय करते, अन्याय का भोजन है। अन्याय का भोजन है क्योंकि शुद्ध आत्मा के लिए शरीर है, शरीर के लिए शुद्ध आत्मा नहीं है। हमारा उपयोग बनाने में लग गया, कमाने में लग गया और सब में लग गया, उपयोग लग गया और शुद्ध आत्मा का पता ही नहीं लगा, वेद विज्ञान का पता ही नहीं लगा, अनाहारी का पता ही नहीं लगा, खाए पिए सो गए। सुनो बहुत अन्याय किया आपने, अब करो टीका अन्याय की। उपयोग किसका लगा था कमाने में? आत्मा का। और सामग्री सोधी, पीसा, कूटा, पीटा, जो कुछ करा, बहुत काम किया और चार छः आठ घंटा खराब करी मान लो, और बनाया और खा गए और सो गए। लें तब बढ़ावन हेतु, तब बढ़ावन हेतु माने शुद्धात्मा के पोषण हेतु, यह के अनुभव के लिए। समझ में आया? चरणानुयोग में बोलो अन्याय, न्याय का भोजन तो बनाया, दिन में भी बनाया, शुद्ध भी बनाया, कुएं के पानी से बनाया, अटपेर घी से भी बनाया, सब काम अच्छा किया, लेकिन अतिथि समिवाग के बिना खाना अन्याय है। दान दिए बिना खा कैसे लिया तुम्हें? बुंदेलखंड की भाषा कहो, तुम्हारे उतर कैसे गई? पति को खिलाए बिना तुम्हारे पेट में भोजन चला कैसे गया? सास ससुर को भोजन कराए बिना, दुखी जनों को करुणा करे बिना, पात्र जीवों को दान दिए बिना तुमने खा कैसे लेता? समझ गए न्याय की परिभाषा? समझ गए कैसे लिखोगे न्याय की परिभाषा? समझ गए बेटे? नहीं हमारा यह जड़ भोजन करें ज्ञान मय नित ही भोजन। याद है कि नहीं? पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो, चलो पढ़ते तो याद कर लेना, ठीक है? कौन सी रचना है ये? पहले दर्शन बाद में भोजन, उसमें लिखी है लाइन, करें ज्ञानमय नहीं हमारा ये जड़ भोजन। वेद विज्ञान करे ही नहीं, अन्याय करते हो। आत्मा का उपयोग आत्मा के लिए है, और आत्मा का उपयोग नहीं लगता था इसलिए शरीर का भी संधान करते हैं, भोजन पानी करते हैं, उसमें भी अन्याय नहीं करते। लेकिन लेकिन अन्याय इतना सही थोड़ी है, पंडित साहब ने सिखाई है बात, हम अन्याय का नहीं खाते। कई लोग ऐसे कहते हम अपनों कमाओ खा रहे, पंडित जी बोले तुम अपनों कमाओ खा रहे, जो ही अन्याय है। पुण्य की कमाई को अपनी कमाई कहते हो? क्या कह रहे? पुण्य की कमाई को अपनी कमाई हो कब से गई तुम्हारी? पुद्गल की कमाई अपनी कमाई कैसे हो गई? जो पुद्गल का कर्ता होता है वो पुद्गल होता है, पता है तुम्हें? न्याय समय साजी का न्याय, हाँ जो जिसका होता है वो वही होता है। पुद्गल बन गए क्या तुम? ठीक है लोग व्यवहार में, देखो लोग व्यवहार में ठीक, फिर भी ध्यान रखना लोग, पॉइंट पकड़ो जरा, लोग व्यवहार में ठीक है लेकिन लोग व्यवहार ठीक नहीं है। क्या कह रहे? लोग व्यवहार में ठीक है, सड़क वाले लोग हैं वे नहीं समझते, उतना भी अच्छा ही तुम अपना कमा खा रहे हो, अपनी बनाया खा रहे, चोरी चपाटी का नहीं खा रहे, अच्छी बात, बहुत बढ़िया है, लोक में तो अच्छा है, लेकिन लेकिन लोग व्यवहार अच्छा नहीं है, अर्थात परमार्थ के बिना लोग व्यवहार अच्छा नहीं, मात्र लोग व्यवहार अच्छा नहीं है। लोग व्यवहार में अच्छा है लेकिन लोग व्यवहार से कल्याण नहीं हो जाएगा। परमार्थ को साधो, परमार्थ को साधो। कैसे साधो? दृष्टांत बनाओ। जैसे 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 विद्यार्थी को एकमात्र उद्देश्य विद्या है, विद्यार्थी को एकमात्र उद्देश्य विद्या है, अब वो कोई 24 घंटे विद्या नहीं पढ़ता रहेगा, नहाता भी है, काहे के लिए नहाता है? जल्दी से नहा के हम फ्रेश हो जाए फिर पढ़ेंगे। रात को जग रहा हो तो चाय भी पी लेता है, काहे के लिए चाय पी लेता है? क्यों? चाय पीने के लिए जगे थे रात को 2 बजे तक?
चाय पीने के लिए नहीं जगह था, वो चाय पी के पढ़ने बैठ जाया, गाना गा लेता है थोड़ी देर, मन हल्का कर लेता है, थोड़ा घूम आता है, थोड़ा फिर आता है, खेल लेता है, बातें कर लेता है, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बातें कर लेता है, काहे के लिए, जैसे विद्यार्थी का समस्त फोकस 25 साल 20 साल 22 साल पढ़ाई है, इसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं करता जो पढ़ाई रुक जाए, पढ़ाई के विरुद्ध चली जाए, इसमें सील आ गया, सील आ गया इसमें, क्योंकि कुशील से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, वो सब काम करेगा पढ़ाई के लिए कर रहा है, अब वो विद्यार्थी कहलाएगा, और नहीं तो विद्यार्थी नहीं कहलाएगा, वो अनाचारी व्यभिचारी पापाचारी कहलाएगा। हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, एक दृष्टांत हो गया। अब यहाँ बोलो, चार अनियोग काय के लिए हैं, पंडित साहब ने लिखा है भोजन भी संयम के हेतु, भोजन भी संयम के हेतु, भोजन भी का है तो भोजन के साथ और क्रियाएं भी लगा, पूजा भी दर्शन भी संयम के हेतु, जिनवाणी पढ़ना भी, अरे शादी करना भी, बहुत बढ़िया, पुण्य बांधो कोई दिक्कत नहीं, पाप साधन के लिए नहीं कर रही। पंडित साहब ने कहा जैन शासन में विवाह करना पापाचार का खुला लाइसेंस नहीं है, पापाचार का खुला लाइसेंस नहीं है, अनुव्रत है, पालन करो, काहे के लिए किया है, उपयोग को भटकाने से बचाने के लिए, ठीक है, आकुलता नहीं समन होती, ऐसे आकुलता समन करेंगे और फिर आत्मा में लग जाएंगे, घृणा नहीं करेंगे आत्मा से, हम तो पापी, हमने शादी कर ली, शादी करने से कोई पापी नहीं हो जाता, शादी करके भी शुद्धात्मा नहीं साधते भी पापी हैं, क्या कह गए क्या कह गए, शादी करके भी जो शुद्धात्मा को नहीं साधते वे अन्यायी हैं, पापी हैं, ऐसे घटाते जाओ। अब लगाना अभी मैंने इतने सब बताए, ऐसे सब लगाना इसमें, अन्याय में घटाओ पूरा पूरा। तो आगे क्या कह रहे, देखो भी कथा अनुभव के लिए जितनी कथा है वो कथा है, बाकी सब भी कथा है, विरुद्ध कथा है, स्वभाव के विरुद्ध कथा भी कथा है, स्वभाव माने अवेद ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, स्वभाव है अवेद ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, इसकी कथा करो। अब ठीक है, गुण वेद पर्याय वेद भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो समर्पित है, ध्यान रखना गुण वेद पर्याय वेद अवेद की सिद्धि के लिए है, अवेद सीधा नहीं समझते तो भेद करके समझाते हैं, अवेद आत्मा सीधा अनुभव में नहीं आता तो गुणस्थान से समझाते हैं, नहीं समझ में आता तो मार्गना स्थान से समझाते हैं, लेकिन समझाते ध्रुव ही हैं, तो हम उसे भी कथा नहीं कहते, लेकिन 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 हम कह रहे हैं भी कथा वहाँ नहीं है, भी कथा तो तेरे चित्त में, एक बात बताओ भी कथा आत्मा की पर्याय है कि उधर की पर्याय है, अब लड़ाई लड़ने वाले क्या कहेंगे, ओ सुमत प्रकाश जी कह रहे चार अनुयोग भी कथा है, चार अनुयोग में भी कथा नहीं है, वहाँ तो परिणमन है, वस्तु स्वरूप है, चारों अनुयोग में तो स्यादवाद से कहा गया वस्तु का स्वरूप है, जहाँ जहाँ जय जय योग त्या समझ बूते वो तो कर लेना, लेकिन तू अवेद ध्रुव ज्ञायक भगवान को भूल जाता है, ये बड़ा गड़बड़, एक लांछन होता है क्या, कटाक्ष उपालंब, उपालंब होता है, कहा विकथा कर रहे, विकथा काय के लिए कह रहे हैं, खूब स्वाध्याय करते लेकिन फिर भी कह रहे विकथा कह रहे, जब प्रेरणा देना होती है तो कहते हैं धन्य है जिनको शास्त्रों का व्यसन लगाया हुआ है, प्रेरणा करना तो शास्त्रों का व्यसन, लेकिन ध्यान रखना व्यसन कहा है क्यों, यहाँ शास्त्रों का व्यसन उन सप्त व्यसन से छुटाने के लिए, इसलिए इसको अच्छा कह दिया, लेकिन व्यसन से सम्यक दर्शन नहीं होता, व्यसन से आत्मानुभूति नहीं होती, व्यसन से शुद्ध उपयोग नहीं होता, व्यसन से केवल ज्ञान नहीं होता, परावलंबी परिणति अच्छी नहीं होती, सारा समस्त परावलंबन का त्याग किया है, क्या कह रहे हैं, समस्त परावलंबन का त्याग किया है, अवलंबन भी काय के लिए है, अवलंबन काय के लिए है, अवलंबन के त्याग के लिए है, दवाई काय के लिए खाते हैं, जिंदगी भर दवाई खाएंगे इसलिए, काय के लिए खाते हैं बेटे, भैया कब छूट है, क्यों 10 दिन की दवाई दी डॉक्टर ने और 8 दिन में सही हो गए, अब 2 दिन की गोलियां रह गई, क्या करोगे, छोड़ दोगे, पैसा से आई है,
डॉक्टर ने पैसा लिए फीस की 1,000, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे बोलो भैया? अरे स्वस्थ हो गए तो अब दवाई कौन खाए? दवाई खाई काहे के लिए जाती थी? नहीं खाने के लिए। अवलंबन काहे के लिए था? हाँ, चलो अच्छी भाषा में बोलो, परावलंबन भी है तो उसे हम अवलंबन कह देते हैं जो स्वावलंबन के लिए है। उस परावलंबन को हम व्यवहार से भी व्यवहार नहीं कहते, व्यवहार जब तक वो स्वावलंबन के लिए ना हो। ऐसा कह रहे कहना एडिक्शन नहीं बनाओ, दर्शन पूजन पाठ व्रत उपवास नियम संयम एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन दुखदायक होता है, हमने पूजा नहीं कर पा तो बड़ो बुरा लगत, पूजा नहीं कर पा तो बहुत बुरा लगत। अरे आत्मा देख के अच्छा क्यों नहीं लगता? क्या कह रहे? आत्मा देख कर अच्छा? आप पुराण पढ़ के देखो, पुराण पढ़ के देखो। अंजना इस बात के लिए रो रही थी, ओ उधर रोज मंदिर जाते। क्यों? इस एडिक्शन के लिए नहीं कहा। हाँ आहार की चर्या कर रहे हैं तब ऐसा याद है, मुनिराजों को आहार कराते, आहार आहार दान कराते मुनिराजों को, आहार दान। रामचंद्र जी ने आहार दान कराया था जंगल में, पढ़ना, रामचंद्र जी जंगल में मुनिराजों को आहार दान दिया। रामचंद्र जी को जंगल में आहार दान मिला, शहरों में नहीं लिया, जंगलों में लिया। एडिक्शन नहीं बनाया, रोने नहीं बैठ गए। ठीक है चलो आगे। तो ये हो गया बीकथा, आगे बीकथा के बाद प्रमाद। प्रमाद बोलो भाई, ये शब्द हो गया अनुत्साह। प्रमाद माने अनुत्साह। उपयोग, उपयोग की चर्चा चल रही, ध्यान रखना उपयोग का प्रमाद, शरीर के प्रमाद की बात नहीं है। शरीर का भी प्रमाद होता है, ध्यान रखना। लेकिन अभी हम आए तो ऊपर की लेवल से चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा शुद्ध उपयोग की प्रतिक्रमण के लेवल से, इसलिए ऊंची बात करना है। शरीर का भी प्रमाद नहीं करना, ध्यान रखना, उसका भी नहीं करना है। सब लगा लेने पढ़ने सुनने में प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, लापरवाही नहीं करना, लेकिन यह प्रमाद थोड़ा सा और अच्छा है। प्रमाद शास्त्र तो बहुत पढ़ता है लेकिन तत्व निर्णय करने में प्रमाद ही है, अनुत्साही है। हाँ पढ़ चित चाय जित ले, ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे चाय जितना पढ़ लेंगे, चाय जितना सुनने तैयार, 8 घंटे बिठा दे हम तो फालतू के सुबह शाम खाए लेंगे बैठे हैं आराम से। शिविरों में कई बार ऐसा हो सकता है, सुबह शाम अपन खा ही रहे थे, बढ़िया आपका काम तो है नहीं, बैठे हैं सुना जाओ, कोई दिक्कत सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तत्व निर्णय में प्रमादी है, उपयोग प्रमादी है। जानने में तो उत्साही है और जाननहार को जानने में अनुत्साही है। जरा अपन अभेद की बात कर दो, प्रथम अभेद पे आ गए। अरे तो अभेद और कहाँ आने, बता। हम जब परमार्थ बता रहे तब अनुत्साही व्यक्ति कहेगा जी अभी थी अभी सूझत। अरे व्यवहार भी तो कछु चीज है, हम क्या कहते बताओ, व्यवहार कछु चीज ही नहीं है, जा। वो ये कहलाना चाह रहे व्यवहार भी तो कछु चीज है, हम क्या नहीं है। हमें को बताओ जब लड़का लड़की शादी कैंसिल ही हो गई, अब बाजे का करेंगे कछु चीज है भाई? ऐसे करें अपन पैसा दे रहे भाई, 5,000 दे रहे तो भाई बाजे तो बजा तू, भले कैंसिल हो गई बारात लौट गई लौट जाने तू बाजे बजा। अरे जब भूले ही काम नहीं हुआ तो व्यवहार क्या बचेगा, सोचो जरा। ऐसे लिखा है सब मूल के साधे बिना, अनुव्रत महाव्रत ऐसे हैं जैसे ठठरी को श्रृंगार। कितना खराब शब्द लिखे, खतरनाक। काय को श्रृंगार? ठठरी तो समझते हो गए बुंदेलखंड में, समझते हो ठठरी, गठरी नहीं। हाँ ठठरी क्या होती है नहीं मालूम तुम्हें? तो मालूम ठठरी? हाँ डेड बॉडी, डेड बॉडी को नहीं ले जाती है वही अर्थी। हाँ समझ गए। हाँ प्रभु मूल का पोषण कर, मूल का पोषण कर, मूल जो तू पोसे, जो तू पोसे फूले फले आघात। क्या कह जाए, मैं जिससे हमारी सारी समस्या का सॉल्यूशन हो रहा है भाई ये पोषण नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं कह रहे। ध्यान रखना पूजा पाठ व्रत उपवास सब है लेकिन इसका पोषण करे बिना कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं हो। भजन में बोला, भजन में मिंडा एकड़ा बिना ना, एकड़ा बिना ना मिंडा। अभी कहा था ठठरी को श्रृंगार,
थर्टी का श्रृंगार समझते हो? कोई कोई राजनेता वगैरह होते हैं, कोई बढ़िया कोई अच्छे लोग होते हैं तो उनको सजाते हैं उसको, खूब 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 सजाते हैं, तो लोग फोटो खींचते हैं, अरे कितनी बढ़िया साजी लेकिन का साजी का है तो कोई हाँ प्रभु आत्मा को जान ठीक। तो प्रमाद भी कथा विषयों में लगे हों, विषयों में लगे हों और कसायों की पूर्ति में लगे हों, कसायों की पूर्ति में लगे हों। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, निचली भूमिका में विषय कसाय की पूर्ति में उपयोग लगे बिना नहीं रहता, तो फिर काय का प्रतिक्रमण करना, फिर जब लगे बिना नहीं रहता कि अनंतानुबंधी नहीं होना चाहिए। हम अनंतानुबंधी के साथ का विषय पोषण का निषेध करेंगे, हम अनंतानुबंधी कसाय का पोषण का निषेध करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, मेहनत लगेगी इसमें भी। जिससे हमारे देश सास गुरु छूटते हुए ऐसा व्यापार नहीं करेंगे, जिससे हमारे देश सास गुरु और परंपरा छूटती हुए ऐसे विदेश पढ़ने नहीं जाएंगे, विदेश पढ़ने नहीं पहुंचाएंगे। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया करोड़ों रुपए कमाती होगी, हम रत्नत्रय कमाते हैं, अब दिक्कत जहाँ है उन्हें दिखाई नहीं दे रही रत्नत्रय कमा रहे हैं। फिर से बोलूँ, हमारा बेटा जैन शासन के पास पास रह करके रत्नत्रय का पोषक माहौल में रहेगा और वहाँ विषय सेवन के पोषण में रहेगा। 99% लोग विदेश जा करके काहू हम के बम्बई दिल्ली में ही जा करके जरा अपने घर से बाहर निकले कुशील में लग जाती, विदेशों में तो और ही हालत ख़राब है। गांधी जी तक बड़ी मुश्किल से बचे हैं वहाँ, गांधी जी भी, गांधी जी ने बार बार आभार माना है, जो माने श्वेतांबर साधु से, स्थानवासी साधु से उन्हें 3 नियम दिलाए थे, उन नियमों ने उनकी रक्षा की थी वहाँ। राज श्रीमद राजचंद जी ने उन्हें ईसाई होने से बचाया था, कोई बात होती तो उनसे पूछते थे, चर्चा करते थे, बात करते थे, उन्हें बचाया, समझ गए। जीवन में कोई को गुरु बना के रखना तो बचोगे, बचे रहोगे, गुरु नहीं हुए अपने आप ही दिमाग लगाया तो मारे जाओगे, इधर उधर भटकते चले जाओगे। समझ में आ रहा है क्या कह रही हैं? विषय भोगों में, विषय में और कसायों की पूर्ति में उपयोग लगाया हो, लगाना पड़ेगा, लेकिन अनंतानुबंधी छोड़ो, ये बहुत बड़ी बात है। देश सास गुरु की मर्यादा के विरुद्ध विवाह नहीं करेंगे, हमें नहीं मालूम, हमारी संस्कृति का घात होता, हम नहीं कर सकते। हम अय्यास नहीं हैं, हम श्रावक हैं, फर्क है हमारे में। आपने देखा हो अय्यास लोग मोबाइल में देखते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, चाय जैसे दोस्ती कर लेंगे, चाय ना खाते पीते रहेंगे, चाय जो देखे आएंगे, देश विदेश घूमे आएंगे, उन्हें यही नहीं लगता है कि होटल की संस्कृति हमारी नहीं है। ये अय्यास लोगों का काम है, श्रावकों के काम नहीं, अब फर्क है ये। इसलिए हम फिर कह रहे हैं, अब हमें श्रावक भी पता नहीं पड़ेंगे, श्रावक होते क्या है। श्रावक माने वही लगता है वही जो तुमने देखे हैं हालत खराब वाली, श्रावक में अय्यास में फर्क है। हमारे पास एक संस्कृति है, एक गरिमा है, एक गौरव है, उनके पास नहीं है। उनके पास डिप्रेशन है, सुसाइड है, हैरान परेशान है, हाँ। अभी ज़्यादा नहीं कह रहे विषय, विषय कसाय में तो क्या कह रहे थे, अनंतानुबंधी विषय कसाय का पोषण नहीं होगा। अनंतानुबंधी माने आत्मा के विरुद्ध और देश सास गुरु के विरुद्ध। देश सास गुरु में संस्कृति आ गई और आत्मा के विरुद्ध में अध्यात्म आ गया। हम आत्मा का विरोध करते हुए कोई खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, कमाना, विवाह, विदेश कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य पैसा नहीं है, हमारा लक्ष्य रत्नत्र है। अब इतना बढ़िया होगा, भ्रष्ट नहीं हो सकता। अब हमारा बस चले तो हम बचपन से ये पढ़ाना कहना चाहे थे, बस बच्चों में ये संस्कार नहीं, हम कैसे जा सकते। एक लड़की है, एक बच्ची श्वेतांबर की, बहुत सुंदर लगती है, छोटी सी बच्ची है, छोटी सी, बहुत सुंदर है, उसकी बोली भी बहुत अच्छी है, तो विज्ञापन में लेते हैं उसको, विज्ञापन में। अब वो अच्छी बच्ची है, मंदिर जाना, धार्मिक, बिल्कुल अच्छी। तो एक विज्ञापन के लिए उसे करोड़ों रुपए मिलने थे, करोड़ों, 1 करोड़ रुपए मिलना था। पिज्जा खाकर कहना था, क्या कहना था पता नहीं, टेस्टी है वैसा कुछ। वो पिज्जा खा के ऐसे ऐसा टुकड़ा इतना सा उठा के मुँह में रख के, वाह क्या टेस्ट है ऐसा। अब बच्ची बहुत अच्छे बोलती है,
तो जैसे ही वो पिज्जा लाए और कैमरे वैमरे लग गए, वो जैसे उसने ऐसा फिर मम्मी की तरफ देखा, मम्मी पिज्जा भक्ष किया भक्ष उसने मम्मी से पूछा, मम्मी साथ में थी, मम्मी पिज्जा भक्ष किया भक्ष बेटा। अब वैसे जानती तो पहले भी थी, लेकिन वो बच्ची ने पूछ ली तो करे क्या। तो धीरे से बोला, है तो अभक्ष तो वही छोड़ दिया। अब सब लोग बहुत गिड़गिड़ा रहे, भैया तू इतना सा बोल दे, तू तो झूठ मूठ बोल दे, खा ले। बोले जब मैं खाती नहीं तो बोल कैसे तू, जब मैं ही नहीं खाती हूँ तो बोल कैसे तू, अभक्ष है तो चक कैसे लूँ। मैं नहीं करूँगा तो 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, मत मिलने तू। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात, उसने 1 करोड़ का विज्ञापन ठुकरा दिया और माँ बेटी दोनों घर आ गए। बढ़िया बात है। फिर कह रही बच्चों को बचपन से ही हमारी पाठशाला हॉस्टलों में सब जगह संस्कृति का ख्याल ही नहीं है। संस्कृति कौन सी हमारी, देह अनंतानुमंदि के अभाव रूप। हम देव सहजगुरु के विरुद्ध सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, बोलेंगे सब लगा लेने ऐसे सारे। तो मैं यदि हमारा उपयोग लगा हो तो वो मिथ्या हो। आगे, किसी को पर्याय मात्र से देखते हुए कम या अधिक देखा हो। अब कितनी मेहनत का पाठ है, पर्याय मात्र से किसी को कम या अधिक देखा हो। ए अधिक, अधिक भी नहीं देखना है। पर्याय दृष्टि से किसी को कम या अधिक देखा हो, उससे विराधना हो गई हो, कोई शंका होने पर इसकी चर्चा कल करेंगे, कहीं शंका होने पर शंकाशील ही बना रहा, समाधान का प्रयास नहीं किया हो, लो शंका तो आई लेकिन समाधान नहीं करा, क्या कहें। इस पर तो कल करेंगे चर्चा अच्छे से, अभी तो एक ही बात केयर करने का अर्थ करना चाहिए, कौन सा पर्याय में कोई को कम या अधिक देखा हो। इसकी भी 1 घंटा चर्चा होना चाहिए, कम या अधिक देखा हो। सब कम तो ठीक है, अधिक देखने में क्या दिक्कत है, कि तुम उन्हें अधिक देखोगे तो अपने को कम देखोगे, और अपने को कम देखना मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं है। क्या कह रही, अब लंबी चर्चा है, इसको 1 घंटा बतानी पड़ेगी। पर्याय में लघुता चलेगी लेकिन दृष्टि में प्रभुता कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि में लघुता नहीं चलेगी, प्रभुता ही चलेगी, दृष्टि में प्रभुता चलेगी। भगवान की प्रभुता देख करके भी हम भी प्रभु हैं। दृष्टि में प्रभुता और व्यवहार में लघुता, आँख खुल गई भगवान को देख करके लघुता है, आँख बंद हो गई झुकने का भाव ही खत्म हो गया। एक प्रभु दूसरे प्रभु को झुकते नहीं। क्या कह रहे, एक प्रभु दूसरे प्रभु को झुकते नहीं, बैठ गए बस, बैठ गए। दृष्टि में प्रभुता और व्यवहार में लघुता, आँख खुली तो लघुता है कोई बात नहीं, लेकिन दृष्टि में भी लघुता रख ली तो खतरनाक काम। अभी सब में लगाना, अभी तो बहुत बहुत, अभी इसमें तो बहुत लगाना पड़ेगा, बहुत। अभी तो हमने जल्दी जल्दी इतनी क्या कहें, इसका व्यवहार बहुत कह रहे सीधे बैठ, ये बोल कैसे दिया ऐसे, कह रहे सीधे बैठ, तुम्हारे मुंह से निकल कैसे गया, क्यों एक राजा दूसरे राजा से कैसे बोलता होगा बताओ। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से कैसे बोलता है, बोल ले जा, कैसे बोलते होंगे, क्यों अफ्रीका का प्रधानमंत्री आता हुआ राष्ट्रपति करुआ कलुआ ऐसे करते होंगे। कोई गरीब घर से भी हो और राष्ट्रपति बन गया हो, गरीब घर से हो, कैसा व्यवहार करते हैं, क्यों ट्रंप करोड़ अरबों डॉलर पौंड पौंड वाला डॉलर वाला है, और ये हमारे नरेंद्र मोदी चाय वाले हैं, तो क्यों ऐसे कहते हैं, ओ टी वाले, ओ टी मैन, ओ बेटर, ऐसे बोलते हैं। सोचो जरा, दो देश के राष्ट्रपति, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं, छोटे देश के हैं, लंका छोटा देश है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, छोटा बड़ा नहीं मानता। ऐसे हम हेल्थ से, हाइट से, छोपसम से, लिखो जी लिखो, हम छोपसम से छोटा बड़ा नहीं मानेंगे, हेल्थ से छोटा बड़ा नहीं मानेंगे, शरीर से छोटा बड़ा नहीं मानेंगे, कमाई से कितना चढ़ना नहीं सुधरेगा, ये देखो हमें अरबपति और जी लखपति ऐसे देख रहे, हाँ क्या क्या कहें, ये चींटी नहीं है, भगवान है,
वृक्ष पेड़ नहीं है, भगवान है। बोलो कितना सुंदर चरणानी होगा। अब ये बहुत कुछ भी नहीं कहा जाए समझना, इसकी चर्चा करेंगे, शंका सील का भी करना है, भी कल सुबह विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय। आई मनीष जी पधारा।